बंदी तो तुम्हें ही लानी है, बट तुम्हारी डेट मैं इस तरीके से फ्री करवा सकता हूँ, 5 मिनट में ये थाली खत्म कर लोगे, तो ये थाली भी तुम्हारी, मेरी तरफ से एक शैंपेन की बॉटल भी है, और ये जो टेडी बेयर साहब रखे हैं ना, ये भी आपके हो गए। बंदी तो खुद ही लानी पड़ेगी। 5 मिनट में खत्म करके दिखाओ एक थाली बस। आज मैं आपको लेके आ गई ऑर्डर 2.1 में, और यहाँ पे मैं आपको लव थाली दिखाने वाली हूँ। आज यार वैलेंटाइन डे इज जस्ट अबाउट द कॉर्नर, आप अपने वैलेंटाइन के साथ एंजॉय कर सकते हो। हिडन सरप्राइज एलिमेंट ये है कि यहाँ पे आपको ना इसके साथ साथ चैलेंज जीतने का मौका भी मिलेगा, मतलब अपने वैलेंटाइन के साथ फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो। तो वो कैसे, उसके लिए पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा, कम विद मी। टूट जाओ पढ़ो। हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ अलग ही होता है, आपको पता ही है। बता दीजिए सर। सुवीत कालरा। मुझे बताइए कि यहाँ जिस ब्यूटीफुल प्लेस में मैं हूँ उसका नाम क्या है? आर्डर 2.1 रेस्टोरेंट। यहाँ की हाईलाइट क्या है, यहाँ पे क्या मिलेगा? प्यार खाना, मोस्टली इनोवेटिव कुजीन लाइक थाली प्रेजेंटेड इन सच अ वे जो कि आज के प्रचलित मुद्दे को उठाते हैं। वैलेंटाइन वीक का मतलब क्या है कि आप आ रहे हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ। अब बड़े सारे लोग हैं जिनको प्यार करने वाली मिल जाती है, उनको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, गार्डन में बैठ जाओ। किस्मत ऐसी है कि 90% लोगों को ऐसी मिलती नहीं है, तो उनको तो घुमाना है फिराना है, थोड़े बहुत नखरे पालने। लेकिन अगर आप उनमें से हो, नखरे भी पालना चाहते हो लेकिन जेब भी अपनी हल्की नहीं करना चाहते, तो मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। एक तो ये लव थाली, ये कम है ऑफर, हार्ट शेप्ड है, लेके आओ बंदी को इंप्रेस करो 999 में ओनली। भाई अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम दिल्ली के वो दबंग कपल हो, वैसे तो थाली में चैलेंज का कोई कोप ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी डेट भी फ्री करवा रहा हूँ अपनी बंदी के साथ। बंदी तो तुम्हें ही लानी है, बट तुम्हारी डेट मैं इस तरीके से फ्री करवा सकता हूँ कि अगर तुम 5 मिनट में ये थाली खत्म कर लोगे, तो ये थाली भी तुम्हारी, थाली की कॉस्ट भी नहीं देनी, मेरी तरफ से एक शैंपेन की बॉटल भी है, और ये जो टेडी बेयर साहब रखे हैं ना, ये भी आपके हो गए। अब इस ऊपर तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बंदी तो खुद ही लानी पड़ेगी। 5 मिनट में खत्म करके दिखाओ एक थाली बस। जो लोग दिल से शोना बाबू मेरे लव यू बच्चे ऐसी वाली बातें करने आते हैं, तो वो ये सब नहीं करेंगे। पर जो कहते हैं नहीं मैं शोना बाबू गया तेल लेने, पहले मुझे थाली दिखाओ खिलाओ, फिर बंदी को कुछ और भी खिला दूंगा, पर मैं पहले देखना चाहता हूँ मैं खा सकता हूँ कि नहीं, तो वो भी खा के देख लो भाई क्या है। कम से कम गिफ्ट तो होगा देने के लिए, थाली खा भी ली तो उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए टेडी बेयर और शैंपेन तो है हमारी तरफ से, बाकी कुछ और भी खिलाना खिला देना उसको। और क्या कॉन्सेप्ट बनता है इसकी, डाई बनती है, फिर थाली बनती है, फिर उसके अंदर की प्लेसमेंट, उसकी पिक्चरस्क प्रेजेंटेशन, फिर उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट्स क्या देने हैं, बहुत सारी चीजें प्लानिंग करनी पड़ती है। फ्राइड राइस मंचूरियन है, सॉल्ट एंड पेपर है, दाल है, पनीर है, पोटेटो चीज बॉल्स है, स्प्रिंग रोल्स है, पास्ता है, लाइटेड बन है, और लव नान है। ये हम आपके लिए लव थाली लगाने जा रहे हैं। ये हमारा पास्ता, ये आ गया फ्राइड राइस, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल, ये चीज़ बॉल, पनीर लवाजदार, दाल मखनी, सॉल्ट एंड पेपर भेज, ये केक है वैलेंटाइन डे, ये पापड़ आ गया हमारे, पापड़ आ गए, ये बन आ गया लाइट वाला, ये बन आ गया, और ये आ गया लव नान, ये इस पर टॉपिंग्स लगे, ये लच्छा होने में मसाला प्याज। जो आपका 5 मिनट्स है, क्या वो मिले 10 मिनट्स हो सकता है? सॉरी जी, 4 मिनट 99 भी नहीं, मतलब 4:59 भी नहीं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट 1 नहीं कर सकते। रूल्स रूल्स है, पॉलिसी पॉलिसी है, कुछ भी नहीं। दो लोगों की नहीं ली, चैलेंज इज ओनली फॉर 1 पर्सन, चैलेंज इज नॉट फॉर 2 पीपल। वैसे 2 लोगों के लिए थाली है, बट इफ यू वांट टू टेक अप द चैलेंज, चैलेंज इज ओनली फॉर 1 पर्सन। चैलेंज की बस यही कंडीशन है कि आप मंडे टू फ्राइडे 12:30 to 5 इसको ले सकते हैं। और हाँ यार, मेल और फीमेल दोनों का ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना है, तो इतने सारे नोट की जरूरत नहीं है यार। आपकी जो पूरी की पूरी वैलेंटाइन डेट है ना, वो पूरी की पूरी है ऑर्डर 2.1 के ऊपर। चैलेंज ये है कि आपको सिर्फ 5 मिनट में ये थाली खत्म करनी है। क्यूट सा टेडी बेयर भी आप उसे गिफ्ट कर सकते हो, ये भी बिल्कुल फ्री है। और उसके साथ ना ये जो एक्सपेंसिव शैंपेन का बॉटल है ना, ये भी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हो, या फिर उसके साथ उस दिन एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चैलेंज लेती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ मैं इसे 5 मिनट्स में कंप्लीट कर सकती हूँ नहीं, क्योंकि मैं किसी बिलव्ड को लेके नहीं आई हूँ, मैं किसी पार्टनर को लेके नहीं आई हूँ। तो मेरे को ये देखना है कि ये थाली मुझसे कंप्लीट होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको लव थाली में जो मिलने वाला है ना, वो तो खूब सारा प्यार मिलने वाला है। उसके अलावा ये देख सकते हो, इसमें पनीर मिलने वाला है आपको, दूसरा यहाँ पे मिलने वाली है आपको दाल मखनी, यहाँ पे देख सकते हो ये राइस है, यहाँ पे ये वेज स्प्रिंग रोल मिल जाएंगे, साथ में ये आपको मिलेगा वेजिटेबल सॉल्ट एंड पेपर, यहाँ पे आ गए मंचूरियन, ये हमारा मजेदार वाला पास्ता, और यहाँ पे ये आ गए हमारे वेज रोल्स, और ये देख सकते हो ये है पाव, और यहाँ पे आ गया हमारा ये हर्ट वाला नान, और ये आ गई हमारी रेड वेलवेट केक। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं ट्राई करने वाली हूँ, वो दाल मखनी ट्राई करने वाली हूँ, बहुत ही मजेदार टेस्ट है। उसके बाद पनीर है, पनीर जो यार नान के साथ ही मजा आता है। ये रहा हमारा पनीर, पनीर बहुत ज्यादा मजेदार है, मुझे क्रीमी वाला फ्लेवर होता है ना वो मिल गया यहाँ पे। सॉल्ट एंड पेपर वेजीज ट्राई करने वाली हूँ, टेस्ट बहुत ज्यादा मजेदार है मुझे यहाँ पे, जो इसमें क्रिस्पीनेस लगी ना वो मुझे बहुत ज्यादा मजेदार लगी। दूसरा मैं जो ट्राई करने वाली हूँ वो फ्राइड राइस विद मंचूरियन,
टेस्टी है, अलग मुझे इसके मसाले लगे, स्पाइसेस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, लेकिन यार वो मंचूरी नहीं है जिसमें स्पाइसेस ना हो, ये मुझे टेस्टी लगा। स्प्रिंग रोल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, दो स्प्रिंग रोल इसमें आपको मिले, एक आप खा सकते हो और एक आप पार्टनर खा सकते हैं। स्प्रिंग रोल बहुत ज्यादा मजेदार है, क्रिस्पी है। दूसरा मैं जो ट्राई करने वाली है वेज कटलेट काइंड ऑफ थिंग है, यहाँ पे वेज रोल है, बहुत ही मज़ेदार मुझे उसका टेस्ट लगा। जो उसके अंदर चीज़ है ना मेल्टेड चीज़, वो आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। सब कुछ मैंने ट्राई कर चुकी हूँ, एक चीज़ बची हुई है, पास्ता मैं यहाँ पे ट्राई करने वाली हूँ, पास्ते का टेस्ट कैसा होने वाला है। पास्ता मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा, टमाटो वाला इसमें मुझे फ्लेवर लगा। ये थाली जो है मैंने वेज लिया, आप नॉन वेज थाली भी ले सकते हो, मैंने प्रेफर करी है वेज थाली। सब कुछ फिनिश हो चुका है, एक लास्ट चीज़ जिसे कहते हैं ना मीठा ज़रूरी है, मीठा शुरुआत के लिए भी ज़रूरी है, मीठा थाली को ख़त्म करने के लिए भी ज़रूरी है। तो एंड में जो बचा है वो बचा है मेरा ये रेड वेलवेट केक, इसको ट्राई करके बताने वाली हूँ इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। रेड वेलवेट केक मैंने टेस्ट किया और ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार था, इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपकी डेट को परफेक्ट बनाने के लिए रेड वेलवेट केक चाहिए होता है, जो कि हार्ट शेप में यहाँ पे मिल रहा है आपको, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सो मैंने यहाँ पे फुल ऑन एंजॉय करा यार, 5 मिनट्स में तो मैं अकेले नहीं खा सकती, समझ सकते हो यार दो लोगों की थाली है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बोलूँगी 100% हाईली रिकमेंड करूँगी यार, इससे ज़्यादा अच्छा ऑफर कौन सा मिल सकता है। 14 फेब को आपकी डेट बिल्कुल फ्री होने वाली है, गिफ्ट मिलने वाला है, टेडी मिलने वाला है, शैंपेन मिलने वाला है, तो उससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे अपनी थाली को फुल ऑन एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खुश रहना ना तो मेरी तरह खाते रहिए। वैलेंटाइन वीक है यार, प्यार बांटो, प्यार करो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।